हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज रेन फ्रॉम decaptor.com। और गाइस, जिस भी फुटेज में आपको कलर का परिवर्तन करना है, कलर चेंज करने हैं, उस फुटेज को आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे। जैसे कि मुझे इस फुटेज का कलर कहीं कहीं पर चेंज करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको आपको यहाँ पे आना है न्यू आइटम में। और न्यू आइटम में आने के बाद में आपको एडजस्टमेंट लेयर पे आना है और एक नई एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है, देन ओके कर देंगे। आप इसी एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे ले आते हैं, जस्ट उसके ऊपर जितनी भी आपके क्लिप्स नीचे हों सब पे इफेक्ट डालने के लिए हम एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करते हैं। ये वाली लेयर जस्ट अभी इसके पहले वाली वीडियो में हमने यूज़ किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कलर से ब्लैक एंड वाइट फुटेज कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट पहले बनेगा, लेकिन आप अपने मन मुताबिक कलर चूज कर सकेंगे। तो अभी एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे मैंने दे दी है और आपको इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद में यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया हुआ टिंट आपको टाइप करना है। और अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बट जैसे ये टिंट को उठा के आप इसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही लेफ्ट साइड में ये ऑप्शंस आपको कुछ मिल जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको कहीं पे ब्लैक एंड वाइट, कहीं पे दूसरा कलर, कहीं पे दूसरा कलर करना है, तो ये आपको वॉच टाइप का जो सिंबल दिख रहा है, टॉगल एनिमेशन, इन पे क्लिक करके आप की फ्रेम्स पहले क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आगे कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अभी ये ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, तो मैं थोड़ी दूर पे चलता हूँ जस्ट। ओके, अभी थोड़ी दूर पे आया मैं यहाँ पे, और या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, ये यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते तो मैं यहीं से कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आया, या फिर स्टार्टिंग में पहले हम यहाँ पे एक अमाउंट टिंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक की फ्रेम क्रिएट हो जाता है स्टार्टिंग में ही। अब इसको चाहो तो 0% कर देंगे, तो मेन वही कलर रहेगा एक्चुअल। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब फिर से यहाँ पे हम ऐड और रिमूव की फ्रेम करेंगे। ओके, और इसको हम 100% कर देंगे, तो ये कलर चेंज हुआ। तो अभी अब देखेंगे तो ये सेम वही चीज़ हो गई, ब्लैक कलर से ब्लैक एंड वाइट। ओके, जो कि मैंने लास्ट के एपिसोड में बताया था, वो मैंने दूसरी तरीके से बताया था, कलर बैलेंस से, लेकिन यहाँ पे टिंट से बता दिया। लेकिन अब हमें कलर चेंज करने की बात है, हमें यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करने की बात नहीं है। तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे की फ्रेम को, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैप ब्लैक टू जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना। सपोज दैट मैं यहाँ पे रेड करना चाहता हूँ, तो रेड अभी कर दिया, तो रेडिस हो गया है। देखिए ये इस प्रकार का कुछ। अब दूसरा कलर देना है, तो अभी जैसे येलो मान लीजिए, येलो देना है, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया। और भी आपको दूसरा जैसे ब्लैक करना है इसको, तो मैं ब्लैक करता हूँ, तो ये कितना प्यारा सा इफेक्ट आ जाता है। तो अभी मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। सो ये देखिए कलर गाइज अपने आप ही चेंज होने लगा है। मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी पीछे का क्या हो रहा है, ये सारे कलर अब उसी कलर में रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं फिर एक्चुअल कलर वो वाला आ जाए जो पहले था। तो बराबर डिस्टेंस अब जितनी चाहते हो कि इतनी देर बाद हमारा एक्चुअल कलर आ जाए, फिर एक आप फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर लो। एक की फ्रेम क्रिएट कर लिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो ड्रैग करके। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद में फिर से इसको जीरो कर दो बस। इसको टिल्डे की प्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ, कलर चेंज हुआ, फिर कलर अपने आप ही एक्चुअल हो गया। तो गाइस, अब अगर आप प्रीमियर प्रो का यूज़ करके आप फुटेज का कलर चेंज करना चाहते हो बीच बीच में, तो ये मेथड है, आप इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डीके वेबटेक को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिल सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।